बता दें इसरो चीफ एस सोमनाथ ने गगनयान मिशन से जुड़े ट्रायल को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने बताया है कि गगनयान मिशन के टेस्टिंग व्हीकल से अलग हुए क्रू मॉडल को बंगाल की खाड़ी से बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद क्रू मॉडल को चेन्नई पोर्ट पर लाया गया। दरअसल इसरो के अनुसार बता दें कि मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान से पहले TV-D1 परीक्षण यान को कल सुबह 10 बजे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और फिर क्रू मॉडल रॉकेट से अलग हो गया और योजना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में गिर गया। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया है कि क्रू मॉडल अब समुद्र की ऊपरी सतह से बरामद हो गया है, इसे चेन्नई बंदरगाह पर लाया गया है। उन्होंने कहा है सब कुछ ठीक है और सब सामान्य है, कोई विसंगति नहीं दिखी। इसरो के प्रमुख ने कहा है इसका मतलब वास्तव में अच्छा है, सभी डेटा बहुत अच्छे हैं। वहीं ये पूछे जाने पर कि असली कवायदा क्या होगी, सोमनाथ ने कहा कि इसरो गगनयान मिशन के लिए सिलसिलेवार परीक्षण करेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 20 प्रमुख परीक्षण हैं, जिसे एक एक करके हम कर रहे हैं। वहीं इस बीच नौसेना ने कहा है कि पूर्वी नौसेना कमान इकाइयों ने क्रू मॉडल को बरामद कर लिया है और पूर्वी नौसेना कमान ने कवायद में लगे कर्मियों के साथ क्रू मॉडल की पुनर्प्राप्ति की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की है। इसके अलावा जानकारी के लिए आपको बता दें, क्रू मॉडल वह संरचना है जहां गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में दबाव युक्त पृथ्वी जैसे वातावरण के बीच रखा जाना है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।